दोस्तों देखें, ये पहला हमने खाली किया है, ये सामान है, ये सामान हमने उतार लिया है, और जो जो रफ चीज़ें थी, ये तारें हैं, ये हमने लोड कर ली हैं, पावर की जो हमने यूज़ करनी है वो रखी हैं। अब ये खाली हो गया, इसे पेंट करेंगे और दोबारा तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये देखें पैनल का ये शील्ड लगाइए, इसके साथ बंद कर रहे हैं। ये देखें जी, फाइनली अब लग गया है। अब ये पैनल अब रेडी करेंगे। परेशान करें ये 11 किलो वाट का है, इसको खोलेंगे। ये देखें ये 11 किलो वाट का है, इसे अब लगाएंगे। ये देखें जी दोस्तों, हमने इसमें 4 इन्वर्टर लगा दिए हैं। अभी ये 4 इन्वर्टर हैं, 4 किलो वाट के डक्ट है, ये हम लगाएंगे पावर के लिए। ये देखें जी, अब हमने लगा दिया केबल है कि ये चैनल पट्टी है, इसके ब्रेकर वगैरह फिट होंगे। ये पहला वाला यहाँ तक पहुँचा, और फिर जैसे जैसे जो कुछ काम करते जाएंगे वो अपलोड करते जाएंगे। ये देखेंगे ये इसकी इनपुट है, डाल दी हमारे, ये इसकी आउटपुट है। ये 30 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया है, मेन 100 एम्पीयर का, और ये छोटे जो है VFDs इनके लिए 20 20 एम्पीयर का लगाया है। तो ये आउट है ब्रेकरों से ली गई, ये इसकी आउट है ब्रेकर की, ये पहले को दूसरा दूसरे को, उसके बाद इसकी आउट जो है वो निकाल के नीचे लेके आए हैं। ये देखिए जी लाइन अप कनेक्टर है, इनमें लगा रही है, इधर से फिर वो मोटर की वायर जो है वो इधर आ गई। ये अभी जो 11 किलो वाट है इसकी आउट ये लग रही है। ये श्राउड चलाया इस पर, अब ये थिम्बल लगाएंगे, ये आई टैप थिम्बल है, इसको पंच कर रहे हैं, पंच करने के बाद लाइन अप करके रखेंगे, याद ही आई टैप है।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो ये है कि आज हमने ये भी एफडी लगी है 6, इनके कनेक्शन कैसे पीएलसी में करने हैं, और पीएलसी की ये इनपुट है और ये आउटपुट है, कैसे और किस डिजिट से आउटपुट निकाली जाती है और किस से इनपुट निकाली जाती है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये सप्लाई है 220 वोल्ट, ये देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लाइन और एन। तो अब हमने क्या करना है कि ये जी इन्वर्टर है, इन्वर्टर की पहले वीडियो में हमने एनेबल की जो डाली थी केबलें, ये A1 है, ये B1 है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, S1 S जो भी देना चाहें, M11, ताकि अगला जो है, जैसे ये मैंने AA यूज़ किया था तो ये A1 है, और इसकी जो लेबल है दूसरी वो B2 है। तो इसी तरह ये है, ये अब सॉरी A1 और B1 इधर है, A2 और B2 इधर, A3 F3 A4 A4 जो भी आपने लेनी है वो लेके आए, वो इधर से हमने इस लाए थे रिले में। ये देखें, ये नीचे लगाया था ला के A1 B1 रिले लगेगी। ये PLC जो है इसको हम प्रोग्राम देंगे। ये क्या है, ये इन्वर्टर के अंदर ना इधर लगी होती है रिले के पॉइंट, ये क्लोज पॉइंट है दोनों आपस में ना, जब ये ऑपरेटिंग हालत में होगी तो ये क्लोज होंगे, नॉर्मली अगर बंद है तब भी क्लोज है। ओपन ये किस वक्त उसकी सूरत में होंगे जब इसे पर कोई फॉल्ट आएगा, कोई एरर आएगा, तब जाके ये पॉइंट ओपन होंगे। जब ये क्लोज होंगे तो इसमें ये पॉजिटिव हमने अलग से दिया है, पॉजिटिव 24 वोल्ट का ना, तो अलग से ये दिया। ये कहाँ से लिया, ये हमने ये लगाई है स्पेशल 24 वोल्ट लेने के लिए, ये आउट है, यहाँ से हमने पॉजिटिव लिया था। ये देखिए ये P लिखा हुआ है सामने, यहाँ से हमने लिया था और यहाँ ला के पॉजिटिव दे दी। याद रखें कि ये जो PLC की ऊपर वाली साइड होती है ये X होती है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होता है, जितने भी आते हैं पॉइंट आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे। और ये जो कंट्रोल करती है आउट पे ये हमें नेगेटिव में कंट्रोल देती है, नेगेटिव जो है ये जाने होते हैं इन रिले में, नेगेटिव मिलना है तो ये रिले ऑपरेट होगी। यहाँ अभी बेसे लगी है, अभी रिले नहीं लगाई, रिले पे भी लगा के आप दिखाऊंगा। तो हमने ये यहाँ से जो पॉजिटिव लिया है ये पॉजिटिव लेके गए हैं इधर भी, ये देखें पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, आपस में ना इनको लूप डाल दिया सबको ना, ऐसे सीरीज में कर दिया। तो क्या है, अब पॉजिटिव इन पे आ गया है, और नॉर्मली हालत में ऑन हालत में जब रनिंग हालत में होंगे तब ये क्लोज पॉइंट होंगे दोनों, ठीक है। ये ओपन कब होंगे, जब आपका कोई एरर आएगा, कोई इधर मसला होगा, कोई एरर देगा तो जाके ये ओपन हो जाएंगे, कोई फॉल्ट आएगा मोटर में आएगा या जैसे भी कोई आता है, ये ओपन होंगे तो ये पॉइंट ओपन होंगे। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव जो सप्लाई है ये जो हमने अब इसमें डाले या जो लेके जा रहे हैं X0, आपने इधर याद रखें, इधर जो मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं ABS जो मर्ज़ी आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपने वो नोट रखना है कि मैंने क्या रखा था। लेकिन जो PLC की केबल होंगी इनपुट, ये इसकी इनपुट है, तो इधर आपने X ही यूज़ करना है, X के साथ आपने डिजिट जो है ना वो लिखते जाना है, बनाते जाना, और आउट जो होगी वो Y से होगी आपके। तो अब मैंने क्या किया, ये देखें ये पहली वायर है, ये डाली है 0X0। तो अब मैं ये लेके आ रहा हूँ, ये PLC के इधर लगेगा, ये PLC की अपनी है, अगर नज़र आ रहा है मैं चेक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो ये अब क्या है, ये X0 है, ये वाला पॉइंट X0 है। इधर अब मैं केबल लगाऊंगा, जितनी मेरी इनपुट होंगी मैं सब लगाऊंगा, ये X0 से लेके मेरे पास कैपेसिटी है X37 तक। तो अब मैं क्या करूँगा जी, ये X0 है, ये मैं ला के यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये देखें X0। इसी तरह से ये अभी X1 मैंने डाली है, तो X1 की है, ये देखें ये X1 आ गया, तो X0 नीचे है, X1 ऊपर आ जाएगा यहाँ। अभी मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से ये काम कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉपर नहीं हो रहा, लेकिन अब मैं बना के फिर आपको दिखाता हूँ। ये आप दोस्तों को समझाने के लिए है कि इधर मैंने लगाई है, इस तरतीब से ये मेरे पास जो है ना 6 है 6 में लगा के तो फिर आपको दिखाता हूँ इनपुट और आउटपुट जो है वो मैंने पहले 5 इनपुट हमने लगा दी है, X अभी X5 रह गई है आखिरी इसकी, ये एफडी की एग्जॉस्ट की, और ये नीचे भी लग गई है 5 आउटपुट, अभी एक आउटपुट रह गई है Y5, तो वो भी लगाते हैं इधर।
ये यू टाइप टर्मिनल है, डेढ़ के 1.5 कंट्रोल के भी से बोलते हैं। ये नंबरिंग है, इसमें ABC टोटल होती है और 1, 2, 3 जो है वो 9 तक होती है, उसके बाद फिर 1 और 0 मिलाना पड़ता है 10 के लिए। तो ये बहुत अहम चीज़ है PLC में, क्योंकि इसके ज़रिए से काम ना मुकम्मल रहता है, फिर ट्रेसने में बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए ये डालना ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने वो केबल्स में पहले डाला है, ये देखें ये लगे हुए हैं, ये नंबर से हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये क्या नंबर है और कहाँ पर जा रही है। तो जैसे ये Y0 है, ये आउटपुट है, तो हमें दस्ती पता चल जाएगा कि Y0 जो है वो पहली रिले में लगी हुई है। तो ऐसे ही ये ढूंढने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलें अब हम इसकी बाकी केबल एक की रहती है वो डालते हैं। ये कंट्रोल वायर है, इस पर अब लगाएंगे हम थिंबल और नंबरिंग डालेंगे। ये Y5 हमने डालने हैं, अब इसे थिंबल लगाएंगे। ये थिंबल लग गया, अब इसे हम लगाएंगे PLC में। ये देखें जी, ये जहाँ पे कॉर्नर आ रहा है ये Y5 है, ये Y5। तो अब हम नीचे ये कॉमन के साथ आ रहा है, ये इस जगह पे लगेगी, इसे लगाते हैं। ये देखें जी, फाइनली हमने लगा दी है यहाँ पे Y5। अब इसकी आउटपुट लगाएंगे, आउटपुट रिले में लगाएंगे। ये अब लगाएंगे रिले की कॉइल पे, क्योंकि ये आउटपुट की वायर है Y5। तो ये PLC जब ऑपरेट होगी तो एक्टिव करंट यहाँ पे आएगा और ये कॉइल ऑपरेट होगी, तो ये A6 जो है, सॉरी A6 ये इनेबल की वायर है VFD की, ये आपस में क्लोज पॉइंट होंगे इनके, तो ये VFD चल पड़ेगी। ये जी आज हमारा पैनल जिसमें हमने किया काम, यहाँ पे हुआ ये काम कंप्लीट। ये सिंजिंग एक मशीन है, टेक्सटाइल में यूज़ होती है, जो टेक्सटाइल में काम करते हैं उनको बेहतर पता होगा, जानते होंगे इस नाम से सिंजिंग। ये पहली मशीन है जहाँ पे कपड़ा जो है वो इंटर होता है, पहले प्रोसेस में से होके गुजरता है, तो उसके लिए ये बन रही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और वीडियोस बना सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।